दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सुपरहिट सॉन्ग साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी का है, जिसमें अभिनेता राहुल रोहे ने राहुल की मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों को फिदा कर दिया था खुद पर। यही वो फिल्म थी जिसने उनके करियर की पूरी काया ही पलट कर रख दी थी, तभी तो आज भी इन्हें इस फिल्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आप अभिनेता राहुल रॉय की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर एक बात को अच्छे से जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने अपने जीवन में दो शादियां रचाई थी, पर बदकिस्मती से इनकी एक शादी असफल रही थी तो दूसरी सफल रही। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी इन्हीं दो शादियों के बारे में बताने वाले हैं कि इनकी ये शादियां कब, कहां और किससे हुई और इस शादी के पीछे की दास्तां क्या रही। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं राहुल रॉय की इन दो शादियों की दास्तां के बारे में। लेकिन इससे पहले इस बेहतरीन एक्टर के लिए एक लाइक तो बनता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू फिल्म आशिकी में राहुल का किरदार निभाकर सभी के दिलों पर छाने वाले अभिनेता राहुल रॉय ने इस फिल्म के बाद बैक टू बैक कई फिल्में हिंदी सिनेमा जगत को नवाजी थीं, जिनमें जुनून, जानम, सपने साजन के, नसीब और अचानक जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ इन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 1 का खिताब भी अपने नाम किया था। लेकिन अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो इन्होंने जिस लड़की से पहली शादी रचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल राज लक्ष्मी आर रॉय हैं। करें इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में, तो इन दोनों की मुलाकात साल 1998 में मुंबई में एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां अभिनेता राहुल रॉय उनसे मिले तो उन्हें आर राय लक्ष्मी उन सभी एक्ट्रेस में से हटकर लगी। तभी इन्होंने ठान लिया था कि अगर ये किसी से शादी करेंगे तो सिर्फ इन्हीं से, जिसके बाद इन्होंने उसी पार्टी में लक्ष्मी से बात करनी शुरू कर दी और इस तरह दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। और एक दिन अच्छा मौका देखते हुए अभिनेता राहुल रॉय ने इन्हें प्रपोज भी कर दिया। इसके बाद लक्ष्मी ने भी इनके प्रपोजल को स्वीकार किया और दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग के बाद एक दूसरे के साथ साल 2000 में शादी के साथ फेरे ले लिए, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। पर 14 साल बाद ही इनके बीच तनाव आ गया, जिसके बाद दोनों आपसी रजामंदी के साथ साल 2014 में तलाक लेकर अलग हो गए। इनकी पहली शादी जो कि 14 सालों तक चल पाई थी, लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में ये बॉलीवुड मॉडल साधना सिंह को डेट कर रहे हैं, जिनसे इनकी मुलाकात इंडस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया था और वर्तमान में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज स्पॉट किए जाते हैं। बता दें, हाल फिलहाल खबरें जोरों पर हैं कि ये दोनों शादी भी रचा चुके हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक राहुल रॉय और साधना सिंह ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। आपको राहुल रॉय की दोनों पत्नियों में से उनकी जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।